दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और इंटरनेशनल गैंग। राजन इकबाल की कॉमिक्स होती है एक्शन और जासूसी होती है इनकी, तो पढ़ते हैं इसको। राजन इकबाल और इंटरनेशनल गैंग। राजन इकबाल के दोस्त नितिन के घर में पार्टी हो रही है, मस्ती कर रहे हैं सारे। कहो राजन इकबाल, पार्टी कैसी रही? वाकई पार्टी पार्टी तो बड़ी शानदार रही, लेकिन नितिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं? शायद अपनी प्रयोगशाला में होंगे, आजकल वे बहुत व्यस्त है। आओ इकबाल, नितिन के पापा से मिल ले। हाँ हाँ चलो, प्रयोगशाला में आओ। आओ राजन इकबाल, कैसे हो? ठीक है अंकल। राजन इकबाल, इनसे मिलो। ये श्री बनवारी लाल लाल, मेरे जिगरी दोस्त, कल ही लंदन से लौटे हैं। जी नमस्ते। और आप हैं मान जासूस राजन इकबाल? अच्छा दोस्तों, मैं अब चलो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। बनवारी लाल चला जाता है। वाह क्या चमचमाती कार है, विदेश से लाए होंगे। आओ बच्चों अंदर चले। नितिन नितिन तो लगता है सो गया है। राजन इकबाल, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ जरूर कहिए, क्या बात है? दरअसल पिछले दिनों में मैं एक कंप्यूटर के लिए शोध कार्य कर रहा था, और आज ही मैं कैसे कंप्यूटर का फार्मूला तैयार करने में कामयाब हो गया हूँ, जो पुलिस तथा नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा। इस फाइल में वह फार्मूला है, मेरी 500 वर्षों की मेहनत। तुम लोग इसे पढ़ लेना। अंकल आप जरा इस कंप्यूटर के बारे में विस्तार से बताइए, हम लोग आज रात को ही इसे पूरा पढ़कर सोएंगे। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग जासूस हो। इस फाइल में एक ऐसे कंप्यूटर के निर्माण का फार्मूला है जो महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों, बैंकों, बड़े उद्योगों आदि के लिए उपयोगी होगा। सभी महत्वपूर्ण दफ्तरों में कंप्यूटर लगा दिए जाएंगे। सभी दफ्तरों के कंप्यूटर एक मुख्य कंप्यूटर से संबंधित होंगे, जो शहर की मुख्य कोतवाली में रखा जाएगा। किसी भी दफ्तर, बैंक या बड़े संस्थान में जिनमें यह कंप्यूटर लगे होंगे, में यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके पास पिस्तौल, बम या किसी प्रकार का घातक हथियार होगा, तो उस दफ्तर का कंप्यूटर तुरंत कोतवाली में रखे मुख्य कंप्यूटर को सूचित कर देगा। फिर क्या होगा अंकल? मुख्य कंप्यूटर को संकेत मिलते ही उसके पर्दे पर उस दफ्तर का नाम चमक उठेगा। इसके साथ ही कंप्यूटर के ऊपर लगी लाल बत्ती जल उठेगी और खतरे की घंटी बजने लगेगी। यह सारा काम 2 सेकंड में हो जाएगा। वह इस प्रकार पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। अंकल यह कंप्यूटर विदेशों में भी तहलका मचा देगा। आज हमारे देश को ऐसे ही उपकरणों की बहुत जरूरत है जिससे अपराधों की रोकथाम हो सके। यह कंप्यूटर कानून के हाथों की लंबाई और बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। हाँ मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह फार्मूला तैयार किया है। अगले महीने तक कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा अंकल, काफी रात हो गई है, अब हम चलते हैं। कल यह फाइल पढ़ने के बाद लौटा देंगे। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट। आज बड़ी जल्दी आ गया अखबार वाला। राजन जा देख कौन है, टन टन। अगले दिन सुबह, टन टन। पता नहीं कौन आ गया, अखबार वाला हुआ तो उसकी काज खैर नहीं। हजार बार समझा रहा हूं कि इतनी सुबह न आया करे। दरवाजा खुलते ही, अरे नितिन तुम इतनी सुबह, क्या बात है, बड़े घबराए हुए लश्से लग रहे हो। अरे नितिन तुम, कल रात एक दुर्घटना हो गई। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। पिछली रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, पापा शायद प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, तभी अचानक मेरी नींद खुली। अरे यह कैसी आवाज आ रही है, इतनी रात गए, जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपने कमरे से निकला और पापा के कमरे के पास गया। दरवाजा बंद है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने की होल से अंदर झांका और देखा, और अरे पापा की जान खतरे में, पुलिस को फोन करूं? अरे फोन भी खराब है, जरूर इन बदमाशों का काम है। फिर जब मैं वापस कमरे की तरफ गया तो कमरे का दरवाजा खुला था और पापा तथा उन बदमाशों का कहीं पता नहीं था। मेज पर यह पत्थर रखा था। राजन पत्थर पढ़ता है,
यदि अपने पापा को जिंदा देखना चाहते हो तो कल शाम 5 बजे शहर के बारनेली पहाड़ी के खंडरों में कंप्यूटर के फार्मूले की फाइल लेकर अकेले आओ। खबरदार, यदि पुलिस या कोई दूसरा आदमी साथ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। धीरज रखो नितिन, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये सब उसी फार्मूले के कारण हुआ। गुंडों ने फाइल मांगे लेकिन मैंने पूरे घर में फाइल खोजी, कहीं भी नहीं मिली। फाइल की चिंता छोड़ो, वह हमारे पास है। तुम घर जाओ नितिन, हम जल्दी जल्दी ही तुम्हारे पापा को छुड़ा लाएंगे। धीरज रखना, घबराना मत। नितिन के जाने के बाद हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे नितिन के पापा को भी खोज निकाले और फाइल भी हमारे पास सुरक्षित रहे। हम शाम 4 बजे तक एक नकली फाइल तैयार करते हैं। वह नकली फाइल लेकर हम 5 बजे नीली पहाड़ी के खंडरों पर जाएंगे। जासूसों की जासूसी कर रहा है। कुछ घंटों बाद थाने में, अरे ये निशानी है तो अंतरराष्ट्रीय लुटेरों का बहुत ही खतरनाक गिरोह है। दुनिया के कोने कोने में इनका जाल फैला है। हर देश की पुलिस को उनकी तलाश है। अच्छा, थाने की भी कर रहा है जासूसी। इनका गिरोह आधुनिक उपकरणों तथा हथियारों से लैस है, जैसे मशीन गन, मिसाइलें, स्टैंड गन आदि, ट्रांसमीटर युक्त कारों तथा विदेशी पिस्तौलों से लैस। आदमियों की तो कोई कमी ही नहीं है इनके पास। तो क्या आपका मतलब है शत्रु कानून से भी ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल नहीं, कानून की तेज निगाहों से कोई अपराधी नहीं बच सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों न हो। तो आपका कानून उसे आज तक क्यों नहीं पकड़ सका? कानून कानून तो वह धंधा अंधा सिपाही है जो बिना सबूत की रोशनी के अपना हथियार नहीं उठा सकता। फॉरेन कमबख्तों ने तो आज तक कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। खैर, हमने नितिन से उसके पापा को खोज निकालने का वादा किया है, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय लुटेरे हैं, तुम दोनों अकेले उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अंकल, आज तक हमारा पाला जिन लोगों से पड़ा वह सब छोटे मोटे बदमाश थे। खेल का मजा तो अब आएगा। मेरी शुभकामनाएं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो मुझे बता देना। शाम को 4 बजे। राजन, सब ठीक है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। हाँ सब ठीक है। शहर से बाहर जा रहा हूँ, आ गए। मैं स्पीड और तेज करता हूँ वरना देर हो जाएगी। और कितनी दूर है नीली पहाड़ी के खंडर? बस आ ही गए। कार यहीं रोक दो, आगे हमें पैदल ही जाना होगा। अरे 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इकबाल, देखो वह लाल विदेशी कार। अरे यह तो बनवारी अंकल की लगती है, लेकिन इस सुनसान जगह पर उनके आने का कारण शायद यहीं कहीं हो। उनसे फिर कभी पूछ लेना। अभी अगर देर होगी तो नितिन के पापा की जान को खतरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद लोखंडो तक तो आ पहुंचे, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं लुटेरे को हमारे आने का पता न चल गया हो। अरे वह देखो इकबाल, उस इस वीरान जगह पर लाल झंडी लहरा रही है, आओ चलकर देखते हैं। अरे झंडी पर तो वही निशान है जो पत्थर में बना था, देखो एक पत्थर भी साथ में आए। इकबाल पत्थर निकालकर पढ़ता है। तो तुम आगे राजन इकबाल, हमें मालूम था तुम दोनों जरूर बीच में आओगे, वह भी नकली फाइल के साथ। अब हमसे टकराने का अंजाम तुम खुद ही देख लेना। नीली पहाड़ी के खंडरों पर राजन इकबाल दुश्मनों का संदेश पढ़ रहे थे और इसी बीच एक आदमी उनकी कार में टाइम बम फिट कर रहा था। ठीक 15 मिनट बाद बम फटेगा। हा। दुश्मन बहुत चालाक है, जरूर कोई आदमी हमारी निगरानी कर रहा है। रास्ते में भी बनवारी लाल की कार भी तो खड़ी थी, आओ देखे क्या माजरा है। तुम्हें याद है कल नितिन के पापा ने बनवारी लाल से हमारा परिचय करवाया था, तो हमारा नाम सुनते हुए कुछ घबरा सा गया था। हो सकता बनवारी लाल उसी गिरोह का सदस्य हो, उसकी कार की निगरानी करते हैं। अरे बनवारी लाल लाल की तो कार चल पड़ी, चलो जल्दी अपनी कार में बैठो, इसका पीछा करे। हाँ यह ठीक रहेगा, जल्दी चलो कहीं वह भागने जाए। राजन बनवारी लाल शहर की तरफ भाग गया है।
अरे कहाँ गायब हो गया राजन, और तेज और तेज। वैरी बनवारी लाल की कार, राजन इकबाल बनवारी लाल का पीछा कर रहे थे और मौत उनका पीछा कर रही थी। हम लोग अब काफी पास आ गए। थोड़ी देर बाद बनवारी लाल की कार एक बंगले के पास रुकती है। राजन वह देखो बनवारी लाल कार से उतर कर उस बंगले में जा रहा है। टाइम बम की सुई आगे बढ़ती जा रही है। राजन जल्दी आओ, बनवारी लाल इसी बंगले में गया है। तभी एक धमाके से टाइम बम फटता है। धमाका, ओ तो हमारी कार में टाइम बम लगा हुआ था। बाल बाल बचे, आओ बनवारी लाल से पूछताछ करे। बनवारी लाल तुम्हारा खेल खत्म हो गया। भारत देश देश के दुश्मन, ओ ये दोनों जिंदा है, भाग जाओ यहां से वरना। राजन अचानक झपटता है, बताओ नितिन के पापा को कहाँ छिपाया है। मुझे नहीं मालूम, ओह ढूंढ बताओ। बस करो, बताता हूँ। मैंने राधा कृष्ण को धोखा दिया है, मेरे ही आदमियों ने उनका अपहरण किया। नितिन के पापा कहाँ हैं? यहां से ठीक। तभी एक हाथ खिड़की से अंदर आता है और धोए, आखिर बॉस को पता चल ही गया। अरे यह तो मर गया। एक वाला उसका पीछा करे जिसने गोली चलाई है, लेकिन हमारी कार तो नष्ट हो गई है। वह देखो वही होगा, ओह भाग गया। तभी नितिन आता है, रे नितिन तुम यहाँ? हाँ मैंने सोचा शायद बनवाई लाल अंकल को पापा के बारे में कुछ मालूम हो। तुम ठीक वक्त पर पहुंचे, बनवाई तुम्हारे पापा का दोस्त नहीं दुश्मन था। क्या मतलब? उसने ही तुम्हारे पापा का अपहरण करवाया था, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, उसकी लाश अंदर पड़ी है। तुम इंस्पेक्टर खन्ना को सूचित कर दो, हम तुम्हारी कार से उस बदमाश का पीछा करते हैं। अगले पल राजन बदमाश की कार इस तरफ गई थी। और तेज राजन, अगर यह हाथ से निकल गया तो इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के अड्डे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वेरी उसकी कार, और तेज राजन कार उसके बराबर तक ले चलो, मैं कूद कर उसकी कार में चला जाऊंगा। लेकिन तभी एक कार आती है, उसमें से बदमाश की कार पर गोलियों की वर्षा होने लगती है। धाई धाई धाई, ओह, और बदमाश की कार का संतुलन बिगड़ जाता है। आई आओ देखें बचा है या मर गया। धमाका, आह आह, कौन हो तुम? तुमने बनवारी का खून क्यों किया? मरते वक्त आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बताओ। मेरा नाम रहमान है, मैं अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य हूँ। हम किसी भी सदस्य का मुंह खुलने से पहले ही बंद कर देते हैं। तुम्हारा अड्डा कहाँ है? फ्लैट नंबर 44 नीलगिरी। तुम्हारा बॉस कौन है? हाँ हाँ बोलने की कोशिश करो। नहीं मालूम, उनका संदेश टीवी या ट्रांसमीटर पर प्राप्त होता है। ओ यह तो मर गया, नहीं मरता तो इसे साथी से मार देते। इंस्पेक्टर खन्ना को इस लाश के बारे में सूचना देकर हम लोग फ्लैट नंबर 44 की ओर चलते हैं। हाँ चलो, उधर फ्लैट नंबर 44 में। ओफो, राजन इकबाल, राजन इकबाल, राजन इकबाल, नाक में दम कर रखा दोनों छोकरों ने। फाइल लेनी तो दूर, हमें अपना बचाव करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पहले हमारे दो वफादार आदमी मारे जा चुके हैं, और अगर इसी तरह हमारे पीछे लगे रहे तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। उस फाइल के हाथ लगते ही दोनों को ठिकाने लगा दो। वह देखो वही है, फ्लैट नंबर 44, शहर से दूर एकदम सुनसान जगह चुनी है बदमाशों ने। बंदूक लिए पहरेदार तैनात है। एक तरकीब सूझी, मैं इधर वाले को संभालता हूँ, तू उधर वाले को संभाल, ठीक है? ओह ओह, अंदर अपराधा कृष्ण के लड़के का भी अपहरण करना पड़ेगा, तभी राजन इकबाल फाइल देंगे। यह कैसे हो सकता है? नितिन 24 घंटों पुलिस की हिफाजत में रहता है। तभी दूसरों की जानों का सौदा करने वालों, अब अपनी जान की खैर मनाओ। खबरदार, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो वरना भून दिए जाओगे। तो तुम लोग यहां तक कैसे पहुंचे?
किसने बताया इनको यहाँ का पता? घबराओ मत, हम तुम तक भी पहुंचने वाले हैं। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे खेलने के दिन है, कहाँ हम बुजुर्गों में अपनी नन्ही जाने फंसा रहे हो। बकवास बंद करो, यह बताओ राधा कृष्णन अंकल कहाँ है? वे हमारे पास आराम से है, अगर तुम लोग फाइल दे दो तो हम उन्हें सही सलामत लौटा देंगे। हम फाइल देने नहीं, ये राधा कृष्ण जी को लेने आए हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन्हें हमारे वाले कर दो। हा, नादान बच्चों, जो लोग हमारे अड्डे को इतना करीब से देख लेते हैं, हम फिर उन्हें कभी कुछ देखने का मौका नहीं देते। अब हमारा ये अड्डा बेकार हो चुका है, यहाँ के आदमी भी अब काम के नहीं रहे। मैं भी एक बटन दबाता हूँ, वो ये अड्डा धमाके के साथ आपकी लपटों में गिर जाएगा। तुम दोनों मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। हा। तभी इकबाल कूदो, ओह बाल बाल बचे, धमाका। कितना जालिम होगा इनका बॉस, जिसने अड्डे के साथ ही अपने आदमियों को भी जिंदा जला दिया। अगले दिन राजन इकबाल के घर, अंकल कुछ पता चला उस नष्ट हुए अड्डे से? अड्डा तो बुरी तरह से जल गया, कोई भी जीवित नहीं बचा। यह का अधजली डायरी उसी मलबे के ढेर से मिली है, इसमें लिखे सभी पते जल चुके हैं, लेकिन एक पता पूरा नहीं जला है। इस डायरी के अनुसार यह पता अमेरिका के एक होटल गोलार्ड का है, इसका मतलब बदमाशों का मुख्य अड्डा अमेरिका में है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कल अमेरिका के लिए रवाना हो जाओ। तुम लोग होटल गोलार्ड में पर्यटकों के रूप में ठहरोगे। आगे का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अमेरिकी पुलिस को तुम्हारे पहुंचने की सूचना आज ही मिल जाएगी। अगले दिन राजन इकबाल अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। इकबाल, इस बार मजा आएगा दुश्मन से टक्कर लेने का। तुम ठीक कह रहे हो राजन। योर अटेंशन प्लीज, यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी पेटियां बांध लें। कुछ ही देर में जहाज अमेरिका के कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। हेलो मिस्टर राजन इकबाल, मेरा नाम स्मिथ है, अमेरिकी पुलिस की तरफ से आपका स्वागत है। लेकिन मिस्टर स्मिथ, आपने हमें पहचाना कैसे? आप दोनों को बुला कैसे नहीं पहचानेंगे? दुनिया के कोने कोने में आपकी जासूसी के चर्चे आए दिन होते ही रहते हैं। आइए बैठिए। और कार तेजी से चल देती है। हा, इंडियन पुलिस ने इन छोकरों को भेजा है हमारी जासूसी करने। हा। तो तुम पुलिस के वेश में बदमाश हो, खूब पहचाना जासूस हो। थोड़ी देर बाद बदमाशों की कार गोलार्ड होटल के पास रुकती है। चुपचाप चलते रहो। और राजन इकबाल, हम तुम दोनों का स्वागत करते हैं। यह आवाज कहाँ से आई? थके हो गए, आराम करो। तब तक मैं अभी सिंगापुर के अड्डे से बात कर लूं, वहां भी तुम जैसे जासूसों ने अड्डे का भेद जान लिया है। जॉन, इन्हें राधा कृष्णन से मिलवा दो। ध्यान रहे मेहमानों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। दूसरे कमरे में, अंकल आप ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? हम आपको लेने आए हैं। इतना आसान नहीं है बच्चों, हम लोग ऐसे आदमी के चंगुल में फंसे हैं जिसके पीछे दुनिया भर की पुलिस पड़ी है। दूसरी तरफ अमेरिकी पुलिस परेशान थी। राजन इकबाल को बदमाश ले गए, यह हमारे विभाग के लिए शर्म की बात है। सर, उन बदमाशों ने हमारे पुलिस वालों की हत्या की और वर्दी तथा कार लेकर भाग गए। श्याम को अड्डे पर, राजन इकबाल हमारे कंप्यूटर वाली फाइल हमारे हवाले कर दो। अगर कर दो तो हम राधा कृष्ण को छोड़ देंगे और तुम्हें माला माल कर देंगे। ये आवाज सामने की दीवार के पीछे से आ रही है, शायद बॉस वही होगा। हम लोग पैसों की खातिर बिकने वालों में से नहीं है। मैं तीन तक गिनती गिनूंगा, न कि तो गोलियों से भून दिए जाओगे। एक, दो। दीवार के पीछे से ही आवाज आ रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी राजन एक भरपूर वार के साथ दीवार तोड़ देता है, धड़ाक। तो तुम वो अंतरराष्ट्रीय लुटेरों के बॉस? हा। मूर्ख, मैं तुम लोगों से सैकड़ों मील दूर बैठा हूं। इस अड्डे का संचालन तो मेरा मशीनी रोबोट करता है था, जिसे तुमने खराब कर दिया। मेरा यह अड्डा भी अब किसी काम का नहीं रहा, इसे भी खत्म करना होगा। थोड़ी देर में ही यहाँ चारों तरफ आग लग जाएगी, न अड्डा बचेगा न मेरे आदमी।
न तुम तीनों, हा। बिल्डिंग से बाहर जाने के सारे दरवाजे मैंने रिमोट कंट्रोल से बंद कर दिए हैं। खिड़की से कूद भी नहीं सकते क्योंकि इस समय तुम 10वीं मंजिल पर हो, हा। आग देखकर फायर ब्रिगेड वाले तुरंत आ जाते हैं। बाद में तुम दोनों ने वह काम कर दिखाया जिसे सारी दुनिया भर की पुलिस भी नहीं कर सकी। लेकिन असली अपराधी को पकड़ना अभी बाकी है। जब तक उसे पकड़ नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। राजन इकबाल और वैज्ञानिक राधाकृष्णन कुछ दिन अमेरिका घूमकर वापस भारत के लिए रवाना होते हैं। आखिर अंतरराष्ट्रीय लुटेरों का बॉस कौन है? तो दोस्तों इसका अगला पार्ट है मौत से टक्कर। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके अगले पार्ट मौत से टक्कर में।